उस्मान अयूब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब सचवाला साहब, जी फैज आदाब, भी बैठे हुए हैं, आदाब। जी आदाब जनाब। बस आज की न्यूज देख के बहुत अफसोस हुआ और समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं ना कि दिल में लोगों के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो होते हैं इंसिडेंट्स, उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और एक बेचारा शरीफ इंसान जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए, उसको किसके नाम पे मारा? मोहम्मद के नाम पे मारा। और मैं भी एक चैनल चलाता हूँ सचवाला साहब, आप तो खैर बहुत बड़े इंसान है, हमें बहुत सीखने को मिलता है आपसे। और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं शक्ल दिखा के करता हूँ। आज से पहले मैं मोहब्बत से पहले जो है वो हजरत लगा लिया करता था और उसको थोड़ा सा डेकोरम रखने के लिए चैनल का, लेकिन आज मैंने ये इरादा किया है कि अब हजरत लगाना जरूरी नहीं है। जिस तरह हम पाकिस्तान से आते हैं, हमने ये चीजें बहुत देखी और हमारा कभी भी ये ख्याल नहीं होता था, क्योंकि हम इंडिया की मिसालें देते थे। जब से मैंने एक्टिविज्म शुरू की अपने नाम से, अपना चेहरा दिखाने के बाद से, तो मुझे ये तो पता था कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं जा सकता या बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं वहां नहीं जा सकता, और जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ये जो एक मूवमेंट है, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, और ये जो कट्टरपन के खिलाफ जो हम सब आवाजें उठा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैंने इसके असरात देखे हैं। मैं 17 साल पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने देखे हैं। और मैं सोचता था कि इंडिया जाऊंगा, लेकिन अब मुझे डर लगता है क्योंकि वहां ये काम शुरू हो गया। ये नारा जो सरस्तन से जुदा है, ये 2011 में ये टीएलपी वालों ने पाकिस्तान में शुरू किया था, और उसके नाम पे इन्होंने इतने बंदे मारे। सलमान तासीर था जो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान था, जिसने सिर्फ इतना कहा था, ये जो अंधा काला कानून है ब्लास्फेमी का, इसको खत्म करो, और उसको उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया और यही नारा लगाया, और उसको उन्होंने हीरो बना दिया। जैसे अभी आपने बात की थी कि ये लोग जो हैं ये गाजी बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें और यही गंध हुआ है पाकिस्तान में। इसी तरह लोगों को वो ऊपर चढ़ा लेते हैं, और उसका कादरी नाम था और उसके जनाजे के ऊपर पता नहीं कोई 10 लाख बंदा आया था। ये कैसे हो सकता है कि एक रैशनल सोचने वाला, छोड़ दे रैशनल सोचने वाले की, एक इंसान जो एक इंसान की जान ले रहा है, उसको बजाय आप कातिल बोलो या घटिया बोलो या जो मर्जी बोलो, ईवल बोलो, उसके 10 लाख बंदे जो है वो जनाजे के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूं कि जब से ये नूपुर शर्मा वाला किस्सा हुआ है, तो मैं ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हूँ, और मैंने कोई, मेरे ख्याल 100 से ज्यादा ट्वीट जो है वो नूपुर शर्मा के हक में किए हैं। और मेरे जो इंडियन भाई बहन है, वो मुझे ये कह रहे थे अभी पिछले हफ्ते कि ये पुराना हो गया है किस्सा, इसको छोड़ दो आप। और मैं ये उन्हें बताता रहा था, अगर मेरी कुछ आगे ट्वीट भी चेक करे तो मेरे आंसर यही थे, ये अभी खत्म नहीं हुआ। क्या उसके सर से उन्होंने जो बाउंटी थी वो हटाई है? क्या नूरपुर शर्मा खुल के चल सकती है और उसकी सपोर्ट में? तो उसके मुताबिक तो फिर मैं भी वाजिबुल कत्ल हूँ। हम सारे जो उसकी सपोर्ट में ट्वीट करते हैं या उसके हक में बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं बड़ा रैशनली सोचता था इससे पहले, लेकिन अब मुझे समझ आती है जब लोग कुरान जलाते हैं या वो एक दिन मनाते हैं जब वो मोहम्मद के कार्टून्स बनाते हैं। आज से पहले मुझे
मुझे नहीं समझ आती थी, मतलब मैं उनको बुरा नहीं कहता था, लेकिन मैं कहता था कि ये पुअर टेस्ट है, मेरा नहीं ख्याल मैं ये करूंगा, लेकिन अब मुझे समझ आती है। और जिस बात में बंदा जो है वो गलत काम भी करता है, लेकिन बहुत अफसोस है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग जो है ये कट्टरता जो है ये किस तरह रुकेगा। और अगर आपने उनकी शक्लें देखी, मुझे उन्होंने वीडियो कत्ल करने के बाद बनाई है, जो वो स्माइल कर रहे हैं, वो स्माइल क्यों कर रहे हैं कि उनको आगे 72 हूरों का वादा दिया गया है जो कि झूठ है, लेकिन इस तरह की ब्रेन वॉशिंग होती है। और ये दो बंदे नहीं है, इनके मौलवी के पीछे भी जाना चाहिए, जिस मस्जिद में जाते हैं उधर भी जाना चाहिए, इनके साथ बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इनको उकसाया या इनकी मदद की और इसकी आगे भी मदद करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस है, मैं आपकी स्ट्रीम जो है वो सुनता रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पर टाइम था, क्योंकि मोस्टली आपकी स्ट्रीम ऐसे वक्त होती है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं सुनता तो हूँ लेकिन आ नहीं सकता। तो बस ये मैंने कहना था आपको। जी उस्मान अय्यूब साहब, आपको सल्यूट है मेरा, आपको सलाम है मेरे भाई। आपने इतनी बड़ी सच्चाई इतनी दिलेरी के साथ बरमला तौर पर कह डाली, मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत बड़ी बात। और अब्दुल हमीद भाई जो है वो बड़े मुझे इनकरेजिंग कमेंट्स भी करते हैं मेरी पोस्ट के ऊपर, ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, और मुझे बहुत सपोर्ट है अपने भाइयों की। और आपको पता है मेरा तो कोई रिलीजन है नहीं, और मैं जिस घर में पाकिस्तान में पैदा हुआ था, हमें कभी नफरत नहीं सिखाएगी, और उसकी वजह ये थी कि हमें कभी जो कुरान के ऊपर तालीमात के ऊपर अमल करने का जोर नहीं दिया गया था। लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ, और मुझे जो फ्यूचर है वो खतरे में आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, जैसे मोदी साहब ने नूरपुर शर्मा को जो जॉब से हटा दिया, ये गलत मैसेज क्या है? चलें ठीक है, आपने अपनी पॉलिटिक्स बहुत गलत, इससे हिम्मतें बढ़ गई उनकी, उनको हिम्मतें बढ़ गई। अब हाँ बिल्कुल, उनको अभी ये लग रहा है कि वो जो शोर डालते हैं, जो रोना रोते हैं, जो झूठ का रोना, इस्लामोफोबिया का वर्ड झूठा वर्ड है, मदीना की रियासत जो पाकिस्तान में वर्ड कहते हैं वो गंदा है, और ये सीखना चाहिए ने पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। क्या इंडिया को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना है? मैं पाकिस्तान में रहता था, छोड़ दिया मैंने, मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि जिस तरह के मैं सवाल पूछता था, इवन छोटी उम्र में कोई मुझे मार देगा। और मैं एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान की, और फिर भी ये खतरा था, तो मैं तो अमेरिका में सेटल हूँ। और जब मैंने ये हाल देखा है कि नफरतें इतनी बढ़ रही हैं, मेरे नज़दीक तो कोई हिंदू नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, मैं तो किसी को खिलाफ कोई मैं हेट की बात नहीं करता, मैं तो प्यार की बात करता हूँ, लेकिन इस तरह के लोगों से मुझे वाकई कहना पड़ रहा है। और मैं भी मोस्टली मैं लॉजिकल होता हूँ, लेकिन अगर कोई कुरान बर्न डे होगा, आज से पहले मैं उसमें पार्टिसिपेट ना करता, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इस तरह की बातें होती हैं, अब ब्लैशमी क्या कम होगी? नहीं, मैं ब्लैशमी ज्यादा करूंगा, मैं खुल के ज्यादा बात करूंगा। मे बी मेरे पास फुल टाइम जॉब है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का, लेकिन अब मैंने ये कन्हैया लाल जो साहब थे जिनकी डेथ के बाद से मैंने ये कहा है कि मैं इसे और जोर शोर से करूंगा। और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, और हमको बहुत सीखने को मिलता है। उस्मान अय्यूब साहब, आप अपने चैनल का जो है लिंक यहाँ डालिए, मैं अपने तमाम जो है दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस्मान अय्यूब भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें, देखें। असल में यही वो कम्युनिटी है, यही वो उम्मीद की किरण है जो इस अंधेरे को रोशनी फराहम कर सकती है, जिसे हम एक्स मुस्लिम कहते हैं। क्योंकि एक्स मुस्लिम वो यानी यूँ समझिए कि इस इस्लाम के लिए जो एंटीवायरस है, क्योंकि इस्लाम एक वायरस है, डेंजरस द
मोस्ट हार्मफुल वायरस दुनिया के लिए, उसके लिए एंटीवायरस कौन है? एक्स मुस्लिम। क्योंकि एक्स मुस्लिम इस्लाम के घर के वो भेदी हैं जो इसके अंदर की बात जानते हैं, जो दुनिया नहीं जानती एक्स मुस्लिम जानते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर रह चुके हैं, हमने अपनी उसके अंदर की जिंदगियां गुजारी हैं। मैं एक्स मुस्लिम के साथ साथ मैं एक्स मुल्ला भी हूं। मैं जानता हूं ये मजहबी पेशवाइयत क्या होती है, ये मुल्लाइज्म क्या होता है, इस्लाम की अंदर की बातें जो कोई आपसे नहीं कहता मैं कहता हूं, पूरी जुरतमंदी और दिलेरी के साथ कहता हूं। तो देखिए, एक्स मुस्लिम उम्मीद की वो किरण है जो इस अंधेरे में, इस घटाटूप अंधेरे, इस गुप अंधेरे में रोशनी बनकर आपका साथ देगी, आपको दिखाएगी रास्ता कि लोगों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। और जैसे जो जैसे नूपुर शर्मा जैसे लोग जो है पब्लिक ऑफिस में इन्वॉल्व हैं, तो मे बी वो इतने खुल के गुस्ताखी नहीं कर सकते। और गुस्ताखी मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर मैं हदीसें ही कोट करनी शुरू कर दूं अपने चैनल पे तो वो गुस्ताखी आती है। मुझे भी कत्ल की धमकियां आती हैं, लेकिन मैं एक सिविलाइज मुल्क में रहता हूँ, मेरी प्रोटेक्शन है। बाकी जो बाद में होगा, एक जिंदगी है, होगा। लेकिन अब जैसे कन्हैयालाल साहब का कत्ल हुआ, मैं तो उन्हें नहीं जानता, ना मैं कभी उन्हें मिला, लेकिन सच्ची बात, मैंने वो वीडियो नहीं देखी क्योंकि मैंने पाकिस्तान में एक दो दफा गलती की थी इस किस्म की वीडियोस देखने की, और उसके बाद जो दिमाग है ना वो बंदे का रह जाता है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक मुर्गी को काट नहीं सकते, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग कहाँ से आते हैं, इनकी कैसी ब्रेन वॉशिंग होती है। और हम लोगों को जो है वो ज्यादा जोरों शोर से काम करना है इसके खिलाफ। हमने वो डर के नहीं बैठना, हम नहीं डर सकते। जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, जैसे मेरी तरह के, मैं लूंगा। और मैं जो है वो मैंने सच वाला साहब, मैंने भी कुरान जो है वो 3 दफा ट्रांसलेशन से पढ़ा है, मैंने तफसीरें पढ़ी हुई हैं, अल तबरी की, अल जलालैन की, मैंने आपकी जो सही मुस्लिम है और सही बुखारी है उसका भी अच्छा खासा मुताला किया हुआ है। जी भाई, ये एक्स मुस्लिम शहनाज खान थी वेस्ट बंगाल में, यूट्यूब चैनल चलाती थी, मुस्लिम थी पहले वो, उन्होंने फिर मुस्लिम छोड़ा और यूट्यूब चैनल शुरू किया, और 3 बच्चों की माँ भी है, माँ भी रही है, वो 3 बच्चों की माँ है। उनका मर्डर किया, कत्ल कर दिया और उनके बारे में आज किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। जो लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने जो मतलब आई विटनेस रहे हैं, वो जो है हमारे एक एक्स मुस्लिम भाई के चैनल पर आकर वो सारी रुदा सुना रहे हैं। कोई न्यूज नहीं बनी, कोई कहीं उनकी ना न्यूज जो है कहीं दिखाई गई, ना कोई जो है कुछ भी, कोई केस नहीं बना, कुछ भी नहीं, मार के फेंक दिया गया उनको। देखें ऐसी कितनी शहनाज खान हैं, ऐसे कितने कन्हैया लाल हैं दुनिया में। आपको पता है, हमने अभी एक और जो है न्यूज दिखाई, जो जो है मतलब उमेश कोले अमरावती के मेडिकल डॉक्टर थे, वो मेडिकल डॉक्टर हैं, उनको मार डाला गया और कोई न्यूज नहीं बनी, कोई नहीं जानता। बस मजे की बात एक नहीं है बल्कि कितने होंगे रोजाना, कहां उनका जो है इस तरह से कत्ल हो रहा है, लेकिन कोई न्यूज नहीं बन रही। जी भाई जी, उस्मान साहब एक कमाल की बात और आपको बताऊं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, वो खुतबा दे रहे हैं पिछली 6 वीडियोस में, और वो ये कहते हैं, पहला लाइन में वो स्टार्ट करते हैं, नुपुर शर्मा बेटी तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और लाइन ख़त्म करते हैं, ईमान वालों दीन की तरफ आओ, इस गुस्ताखी की सज़ा सिर्फ पोस्ट से निकालना नहीं है। मेरी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये जो साहब हैं, ये 80 साल से ऊपर के हैं उम्र में, सिल्क की सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद टोपी लगाते हैं, दाढ़ी में सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी को सीधा रखने के लिए उसमें कंडीशनर लगाते हैं, काफिरों का इजाद किया हुआ, और बेटी कहते हैं और सामने वाले को कहते हैं कि बेटी को मार डालो। तो मैं समझता हूँ इनका रोल जो है, वहां इनकी तकरीरें हुई हैं भरे मैदान में, जी करबला मैदान में इनकी तकरीरें हुई हैं, मैदान वहां में उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। मौलाना सज्जाद नौमानी जी सर,
खलील रहमान सज्जाद नौमानी, इतना लंबा चौड़ा नाम है इनका, जितना नाम है उतनी लंबी दाढ़ी है और उतनी ही ऊंची पगड़ी है। हजरत भूल गए सर आप जी, हजरत हजरत मौलाना सर, हजरत भूल और गया। इस तरह के हजरत मौलाना कितने हैं भारत भर में, जो वक्तन फवक्तन आए दिन अपनी आवाम को मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के अंदर मिंबर पर बैठे उन लोगों को उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक इस तरह का जो है मतलब कोई फतवा नहीं देता कि जाओ भाई ये पेपर पे लिखा है, जाके नुपुर शर्मा के जो है मतलब सपोर्टर्स को जो है मार डालो, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ऐसा कहने से वो फंस जाएंगे। वो इनडायरेक्टली वो सारी बातें कहते हैं जिसकी वजह से ऐसे हालात होते हैं। और सच वाला साहब, आपको पता है हिस्ट्री का, ये लोग ट्रेंड है इस काम में। ये जो पाकिस्तान में जो गंग शुरू हुआ था 1980s के अंदर, जो ये रशिया से जंग के बाद जो शुरू हुआ था, ये उसके असरात आप देख लें पाकिस्तान में क्या है। तो ये मैं अपने इंडियन भाई बहनों से बोलूंगा कि आप लोग पाकिस्तान की तरफ देखें और इसके मुकाबले में आपने खड़े होना है। आपने अगर आप एक्टिविज्म कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर आप हम लोगों को सपोर्ट करें ताकि हम इस चीज को रोकें। हम वो लोग हैं जो बड़े हुए हैं, इंडिया की मिसालें देखे, एक सेकुलर कंट्री की मिसालें देखे। हमें बहुत अच्छा लगता था जब हम देखते थे कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिख है, सदर जो है वो मुसलमान है, और बाकी जो मुल्क है वो मोस्टली हिंदुओं का है। ये हाल पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में आप जितना भी सुनते हैं वो कम है, आपको आइडिया ही नहीं है कि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या होता है, या क्रिश्चियंस के साथ, या अहमदीज के साथ, या शियाओं के साथ, आप लोगों को आइडिया नहीं है। जिस वक्त वो चवल किस्म के इंसान, सॉरी सचवाला साहब, वो मुफ्ती हमदर्द साहब को मैं चवल कहता हूँ, उन्होंने जब साहिल भाई की इंफॉर्मेशन लीक की थी तो हम पाकिस्तानी समझ सकते थे कि कितना खतरनाक काम है। हमें आप लोगों से ज्यादा खतरा था उनके लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो दुश्मन है वो किस लेवल का है। अब आप लोगों को देखना चाहिए, हम ये बातें जो हैं, ये इस किस्म की जो हरकतें होनी थी, हम ये कर रहे थे कि ये ना हो, लेकिन हमें लग रहा था कि ये होंगी, क्योंकि हमें इनका ज्यादा आइडिया है, हम इनको देखते आए हैं। ये पाकिस्तान में मामूल सी बात है। अभी इतना चक्कर हो गया हुआ है, किसी की जमीन हथियानी है तो उसको गुस्ताखे रसूल कह दो और सड़क पे निकल के मार दो, कुछ भी नहीं होता। आप जागें, आप देखें, आप बहुत बड़ा मुल्क हैं, आप बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, आपके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये मिसालें देखनी होंगी ताकि आप लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह बिल्कुल ना बने। और जो माइनॉरिटीज हैं वो ठीक हैं, लेकिन आप कब इंतजार करेंगे? अभी वो 20 करोड़ हैं, आपने ब्लैशमी लॉस ये खत्म करने हैं, तो जब 40 करोड़ होंगे तब खत्म करेंगे? अभी आसान है, हमें आवाज उठानी है, और प्लीज आवाज उठाएं इसके खिलाफ। जी हाँ उस्मान भाई, बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए। एक चीज ये समझ नहीं आता कि अभी तो हिंदुस्तान में हम मतलब मुसलमान काफी कम है, तो ये सारा हाल देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हिला के रख देते हैं। और मान लो कि अगर ये आधी भी हो गए, हिंदुस्तान की आबादी के आधे भी हो गए, फिर क्या हाल होगा? ये सोच कर रूह कांप जाता है कि फिर हिंदुस्तान का संभलना मुश्किल है, और हिंदुस्तान खत्म है मतलब पूरी दुनिया खत्म है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हिंदुस्तान एक जो है वो विश्व गुरु है। अगर गुरु का ये हाल हो जाएगा तो फिर दुनिया का क्या बनेगा? देखें, इस एतबार से यहाँ की सरकार पर जो है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, तो हम सरकार से ये जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर भाई कौन करेगा, जरा बताइए? ये काम अगर भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा, कौन करेगा, कौन करेगा? हिंदुस्तान के अंदर अगर इस्लाम गालिब हो गया तो समझ लो पूरी दुनिया खत्म है, क्योंकि फिर जो टेररिज्म है, जो दहशत गर्दी, उसका सबसे बड़ा सेंटर हिंदुस्तान होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा सेंटर, जहां पर अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी, इधर बांग्लादेश भी है, सबसे बड़ा सेंटर हिंदुस्तान का हिंदुस्तान होगा, इस्लामी सेंटर। और फिर पूरी दुनिया से इस कल्ट को खत्म करना नामुमकिन सा हो जाएगा। भाई साहब, ये जितने भी लोग हैं,
ये जिसमें अगर कोई हिंदू बात करता है, जैसे नुपुर शर्मा ने बात कर दी, तो हम ये सजेशन करेंगे कि अभी आप डायरेक्टली हिंदू लोग इस पे बात ना करें, ये बात एक्स मुस्लिम को करने दे। अगर कोई हिंदू बात करेगा तो ये कम्युनल रंग देने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम वाला, ये बात ज्यादा सूटेबल है। एक्स मुस्लिम ने खोल खोल के बयान करनी चाहिए जैसे हम लोग करते हैं विथ रेफरेंस। हाँ, ये बात भी, ये पॉइंट भी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि हम खुलकर, क्योंकि जितना हम जानते हैं इस कल्ट को आप नहीं जानते, तो हमें पता है क्या कहना है और कब कहना है, तो हमें कहने दें। आप जिस अंदाज से भी ये टोटल एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं करें। टोटल एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, ये पूरी एक कम्युनिटी है, ये एक एक फर्द, एक एक आदमी का नाम नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी है। इस टोटल कम्युनिटी को आप सपोर्ट करें ताकि ये जो है अपने अपने पैर पर खड़ी हो और खुलकर जो है अपनी बात कह सके दुनिया के सामने। आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करें, ये जिम्मेदारी आप अपने सर पे लेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। जी, ये बात सचवाला सर अब्दुल साहब, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपको सर ये नहीं लगता, क्योंकि मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं, मैं ये सोचता हूँ कि नाउ इज द टाइम टू स्पीक। गुस्ताखी जितनी ज्यादा आप करते चले जाएंगे, अब वही इलाज है। हर मोड़ पर, हर जगह पे, हर रास्ते पे, हर चौराहे पे आईना लेके खड़ा होना होगा। अब इसका मेरे समझ से तो सर, राज भाई, फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने क्या किया था? उन्होंने तो बिल्डिंग पे लगा दिया था कि भाई अगर आप ये करोगे तो फिर हम ये करेंगे। तो हमारे पास तो सोच नहीं सकते इंडिया में कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे करेगी कि इस वक्त यहाँ हमारे साथ हैं। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर हम रैशनल सोचते हैं जो बोलते हैं, तो दुनिया में बेशुमार महान लोग गुजरे हैं, बेशुमार गुजरे हैं ना, एक से बड़े एक। अगर मैं मान लीजिए कि मैं बुद्धा कहूं, तो क्या कहीं किसी की ब्लास्फेमी हो रही है? अगर मैं सिर्फ रामा कहूं, बस इससे आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लगाता, तो क्या हिंदू इसको ब्लास्फेमी कहेगा? अगर मैं महावीरा कहूं, अगर मैं सिर्फ ईसा कहूं, अगर मैं सिर्फ मूसा कहूं, तो ये मामला मोहम्मद के साथ क्यों है आखिर? क्यों? मैं चाहूंगा कि जिस तरह से मैं रामा या महावीरा या जो है बुद्धा या ईसा या मूसा कहूं, एग्जैक्टली उसी तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद कहूंगा, उससे आगे ना हजरत लगाऊंगा ना मैं साहब कहूंगा। क्यों कहूं? क्यों कहूं? क्योंकि जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, ये दूसरों के बिलमुकाबिल ये शख्स ये पूरी जमीन के लिए, अहले जमीन के लिए जहमत है, जहमत है। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ उसके साथ जो है मैं सिर्फ मोहम्मद कहूंगा, बल्कि मोहम्मद के आगे पीछे मैं बुरे लफ्ज लगाऊंगा। इस बात पर मुझे मजबूर ना करो कि मैं मोहम्मद के साथ बुरा लफ्ज लगाऊंगा। मैं ये कहने लग जाऊं कि झूठा मोहम्मद, मैं ये कहूंगा। बदचलन मोहम्मद, मैं ये कहूंगा। बदमाश मोहम्मद, बदकिरदार मोहम्मद, मैं ये कहूंगा। मुझे ये कहने पर मजबूर ना करो, ये खैर मनाओ कि मैं सिर्फ मोहम्मद कह रहा हूं। अगर आप लोग मुझे मजबूर करोगे तो मैं मोहम्मद के साथ जिस तरह आप चाहते हैं कि मैं हजरत या साहब लगाऊं, मैं कहूंगा कि मोहम्मद बदचलन, मोहम्मद बद किरदार, मोहम्मद बदनुमा दाग इंसानियत के लिए, मैं ये कहूंगा। इंसानियत का दुश्मन मोहम्मद, अगर इंसानियत का दुश्मन मोहम्मद कहूंगा, मैं कहूंगा। बनू कुरैज़ा की अगर आप बात करें, छोड़ दें 6
साल की बच्ची को छोड़ दें, लौंडियों को छोड़ दें, मारिया कितलिया को, बनू क्रोएजा में आज तक मुझे नंबर साफ साफ नहीं मिले, लेकिन लिखा हुआ है कई जगहों पे 700 लिखा हुआ है, कई जगह पे 900 लिखा हुआ है, जो 700 से 900 इनोसेंट यहूदियों को जो मारा गया था, और जो बच्चे जो हैं उनके वो बाल देखे गए थे कि उनके प्यूबिक हेयर है या नहीं है, तो वो चाहे 9 साल के हों चाहे 10 साल के हों, सिर्फ एक बनू क्रेजा वाला एक वाकई आप उठा लेना तो मोहम्मद अकदार आपके सामने आ जाता है कि वो कितना जालिम इंसान था। और ये लोग बातें करते हैं कि उसने कभी किसी को मारा नहीं, 10,000 बंदे से ज्यादा उस इंसान ने अपनी कत्लोगारत उसने फैलाई हुई थी, और वो कहीं से भी पीसफुल नहीं है, ये एक झूठा नारा लोगों को बस वो एक चूरन दे दी गई है कि वो पीसफुल इंसान था और वो ये था, और फिर इन्होंने लोगों के माइंड से खेला। उन्हें पता था कि इस बंदे का जो रिलीजन है वो आगे नहीं चलना, उन्होंने डरा धमका के तलवार के जोर पे मारने के जोर पे उन्होंने ये चलाया हुआ, और ये अभी तक चल रहा है। और मैं तकरीरों में कम्युनिटी से मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से ये भी कहूंगा कि अब वो मोहम्मद के आगे पीछे साहब या हजरत लगाना छोड़ दें, सिर्फ मोहम्मद मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, सिर्फ मोहम्मद कहें, सिर्फ मोहम्मद के ऊपर छोड़ दिया मैंने। अब अगर ये हमें और मजबूर करेंगे तो हम इसके आगे ये जो है ये बुरे अल्फाज बदकलामी का जो है क्या अल्फाज लगाएंगे, या हम हमें इस बात पर मजबूर ना करें, हमें ये खैर मनाओ कि हम सिर्फ मोहम्मद कह रहे हैं, इससे आगे आगे पीछे कुछ नहीं कह रहे, वरना इसके पीछे आगे पीछे हम और बहुत कुछ लगा देंगे, हमें मजबूर ना करें, क्योंकि इस शख्स की असलियत हम जानते हैं। हमारे एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से लोग सिर्फ जो है एहतरामन यानी मतलब लोगों का दिल ना टूटे इस वजह से हजरत मोहम्मद या मोहम्मद साहब कहते हैं, मैं कहूंगा कि ना कहें, सिर्फ मोहम्मद कहें, बस इससे आगे आगे पीछे कुछ भी नहीं। मैं 100% आपकी बात से हमारे हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है बरेलवी आई थिंक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, तो जब मैं उनका एक तकरीर सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि हुजूर का नाम ऐसे लेना है कि बेअदबी ना हो, तो पूरा नाम आपको शुरुआत करना है, आप हुजूर आकाए कायनात रहमतुल आलमीन बच्चों से प्यार करने वाले मजलूमों को सहारा देने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहना है, तब बेअदबी ना होगे। जी बहुत बड़े यूट्यूबर है वो भी। जी अब्दुल हमीद साहब, मैं हैशटैग दे देता हूं, मैं हैशटैग दे दूं, जी जी, नो रिस्पेक्ट फॉर मो, ट्रेंड कीजिए, नो रिस्पेक्ट फॉर मो हैशटैग, जी हां, नो रिस्पेक्ट फॉर मो, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये क्यों है, इसलिए कि हम जानते हैं, अगर आप हमसे जो है इस बारे में बात करना है तो आइए हमारे चैनल पर, हम बताएंगे इसकी असलियत क्या है, आप शायद अंधेरे में है तो हम आपको रोशनी की तरफ लाएंगे, हम बताएंगे इस शख्स की असलियत, इसकी हकीकत, आप शायद नहीं जानते ना, इसलिए जो है आप उसको कुछ और कह रहे हैं, हम जानते हैं कि ये शख्स क्या था, हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी भाई और जी, क्या कहेंगे उस्मान अय्यूब साहब, बड़ा अच्छा लगा आप तशरीफ लाए जी, आप आगे आगे भी आते रहिए जब भी आपको मौका मिले, और जो है बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जनाब, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत अरसे से मैं आपको ही बात सुनता हूं, बहुत सीखने को मिलता है, आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और जैसे आपने ये बात की है एक्स मुस्लिम कम्युनिटी की, आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमारे में कोई डिवाइड है तो नहीं, वैसे होना भी नहीं चाहिए, चाहे जहाँ जो मर्जी जहाँ मर्जी से है, हमारा जो कॉज है वो सिर्फ एक है, एक ही आपका वही कॉज है जो मेरा कॉज है, आपके दिल में वही प्यार और मोहब्बत है बाकी सारे लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, और मेरे दिल में भी वही है, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपको शो नहीं कर सकता कि उस शख्स को मैं जानता नहीं था,
लेकिन पूरा दिन जो है वो बस बहुत सैड है, क्योंकि इस तरह की हरकतें जो हैं वो जो इस्लाम से हमने जो उठाया हुआ है उसको खत्म करने का, ये हमें डीरेल करते हैं। और मैं आपके साथ हूँ, ब्लास्फेमी के लेवल जो है मैं अब उठाऊंगा, और ये लोग मजबूर कर रहे हैं। वो अपोस्टेट प्रॉफिट ने और डेविड वुड ने पिछले साल जो है वो कुरान खाया था, तो मैं सोचता था कि ठीक है मैं उनकी सपोर्ट तो करता हूँ कि उन्होंने कर लिया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मैं कहता था कि पुअर टेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट हुआ तो मैं वहां भी जाऊंगा। और ये मैंने जो डिसाइड किया है, ये मैंने कन्हैया लाल की डेथ के ऊपर डिसाइड किया है, इससे पहले मैंने नहीं करना था, लेकिन अब मैं करूंगा। जी यानी हमें मजबूर किया गया है, हमें मजबूर किया गया है। जी हाँ, ये बात है, मजबूर किया गया है। और सेकंड, इनको हम वहां तकलीफ, जैसे हमें तकलीफ देते हैं इनको, जैसे अभी अब्दुल हमीद साहब ने जो फ्रांस वाली बात की वो सही है, वो सही स्टैंड है। जी हाँ, उनको जी भी हाँ। मैसेज जो है, हमने स्ट्रिक्ट मैसेज देना है कि तुम जितना हमें प्रवोक करोगे हम उतना ही जोर से फिर आगे आएंगे। जी हाँ, हम वो खुल खुल कर जो है ये मतलब इस शख्स की रियलिटी को दुनिया के सामने लाते जाएंगे, खुल कर लाएंगे, खुल कर लाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आते रहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू हुई।